आज 26 तारीख की जो मीटिंग है उसके संदर्भ में हम और राकेश जी आज ही लाए हुए थे। हमें था, हमारे परिवार में कुछ आपस में बहस भी था, कोई बात थी, कुछ विषय थे, हमने बैठ के बातचीत की और हमने ये तय किया कि जो कुछ भी है हमारी प्राथमिकता 26 तारीख है। हम किसान को किसी भी रूप में, किसान आंदोलन को, किसान संगठन को कमजोर नहीं देखना चाहते और नहीं होने देंगे। सबने ये तय किया मिल बैठ के, जो हमारी आपस में गलतफहमियां थी उन पे चर्चा करके हमने बातचीत की। और मैं सभी से अपील करूंगा कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करें। हमारे वरिष्ठ साथी भी कह लो, हमारे बड़े भी हैं, पहलवान जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचा दें, कोई भ्रम की स्थिति ना रहे लोगों में। जिस तरह का एक भ्रम सा बना हुआ, लोग ऐसा सोचते हैं कि किसान संगठन कमजोर हुआ है या कहीं उसमें दरार आई है, किसान संगठन जैसा था वैसा ही है, ये तो परिवार है, इसमें चलते रहती है। धन्यवाद जी। देखिए, हमारा बड़ा परिवार है, किसान संगठन एक है, हमारे किसान भी एक है, पूरा देश है। और ये राकेश का साहब आए हैं, ये भी जाए हमारे किसी तरह के गैप हुए थे, छोटा था, किसी के जरिए से होया था। और हमारा जो होता है परिवार में, बड़े परिवार में सभी कुछ होता है, बहू बेटी हर चीज़ के आदमी होते हैं, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए, हमने आगे बढ़ने के लिए समझौते भी करने जरूरी पड़ते हैं देश में। और किसान जो 26 जनवरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरे ही देश से, प्रदेश से भी, 26 जनवरी को ऐसा ना हो, भ्रमित ना रहे, पूरा का पूरा देश 26 जनवरी को चीन पहुंचे। आप सभी का स्वागत है, पूरा हमारा प्रदेश देश संतुष्ट है। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आज हम जींद में आए, उस जगह को भी देखेंगे, यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ी पंचायत जींद में होनी है और इस पंचायत का ही एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे सब साथी बैठे जो कमेटी में हैं, जो देख रेख कर रहे हैं उस जगह पे भी, तो हमारी सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जींद में आए। और जो लोग अपने घरों पर रहेंगे पूरे देश भर में, वे ट्रैक्टर मार्ग के माध्यम से अपना संदेश दे सकते हैं। बहुत लोग हैं कि वे यहाँ पे नहीं आएंगे तो अपना ट्रैक्टर चलाएं, डीसी डीएम एसडीएम इनके यहाँ पे अपना ज्ञापन दे अपने गांव में कस्बे में, क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन हमारा है। उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जींद में भी आए। और यहाँ की बहुत मजबूत व्यवस्था, जींद और आसपास के जिलों के लोग, कमेटी के लोग, यहाँ के संगठन, सभी लोग मिलकर बहुत तैयारी में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। रास्ते जो उत्तर प्रदेश की तरफ से है, पानीपत और सोनीपत की तरफ से सीधा जींद रास्ते आ रहे हैं, वे आपको लोग बताते भी रहेंगे। आप जल्दी चल के और आप अपना स्थान भी वहाँ पे लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से, ज़्यादा तेज में वाहन ना चलाएं, आप आए और पंचायत में जो निर्णय होंगे उन पंचायतों को निर्णय को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जीव, जय भारत। विकास विकास कोई जय किसान साथियों साथियों, आज जींद में बैठे हैं राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी, सतगुरु बंधवान जी, जय प्रकाश जी, सुबे सिंह जी, तमाम जो मौजूद रतन मान जी, भाई सोनू। और यहाँ जींद के अंदर 26 जनवरी को पंचायत रखी गई है। कुछ साथी छोटा मोटा भ्रम फैला रहे थे किसी बात को लेके, वो सारे भ्रम भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं, सारे किसान संगठन एक हैं,
सब किसान एक है और 26 जनवरी को सारे साथियों से अपील है पूरी ताकत के साथ पूरे जज्बे के साथ जुनून के साथ 26 जनवरी को आप सभी साथियों का स्वागत है मुजफ्फरनगर की पंचायत से क्योंकि हरियाणा ये चाहेगा कि मुजफ्फरनगर के अधिकार टूटे 26 जनवरी को इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 जनवरी को नया अनाज मंडी जीने को जरूर पहुँचे।